हेलो एवरीवन, चलो मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कहाँ मोमेंटम कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में कर रहा है। एक्चुअली मैं रात में शूट कर रहा हूँ, अभी बजे है लगभग 11 बजे है रात के, एंड मुझे कल टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि मैं फिर से कल ट्रैवलिंग करने वाला हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम से। मतलब आपने देखा ही होगा कितने टाइम से, लगभग आई थिंक एक हफ्ते के ऊपर हो गया मैं कंटिन्यूसली बाहर से ट्रेड कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आपको अपडेट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चल रही है। यही ट्रेडिंग का बेनिफिट होता है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम काम कर सकते हैं, सबसे बढ़िया वही बात होती है। एंड होप आप भी इसका बेनिफिट ले रहे होंगे क्योंकि मैं अभी बीच पे बैठा हूँ, यहाँ से आपको शूट करके वीडियो दे रहा हूँ। बस क्या है ना, हमें एक इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर चाहिए, बस एक बार इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं दो दिन से यहाँ पर हूँ, मालवण में हूँ, लेकिन यहाँ पर दो दिन पहले से बिल्कुल भी मुझे नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। आज अभी मुझे थोड़ा सा नेटवर्क मिला है अच्छी तरीके से, तो यहाँ से मैं आपको वीडियो शूट करके दे रहा हूँ। आई थिंक ये पॉसिबिलिटीज आपको अपलोड करके पूरी तरीके से टाइम पर मिल ही जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हम मोमेंटम ट्रैक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। को देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जिस जगह पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मेरे लिए भी थोड़ा सा हॉरिबल सिचुएशन है क्योंकि मार्केट का अगर सिनेरियो देखते हो तो यहाँ पर मैं अगर अभी वीकली चार्ट पे लगा रखा हूँ मार्केट में, अगर वीकली चार्ट पे देखते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। और इतने ऊपर पे हायर लेवल पे जाकर जब ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट नॉर्मली करता क्या है ना, इस जगह पर जब भी वीकली चार्ट पे मार्केट जब भी अपसाइड मोमेंटम करता रहता है ना, तो हम क्या करते रहे, हम सोचते रहते कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मार्केट कुछ अलग सा मोमेंटम कर सकता है, इस तरीके सोचते रहते। लेकिन फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे कर फिर स्लो एंड स्टडी कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही जाता रहता है। हम सेल करने के लिए ट्राई करते हैं लेकिन मार्केट ऊपर ही जाता रहता है, ये मार्केट का नेचर हमेशा चलता रहता है। मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर चुका है। अगर आप ये कैंडल को, तीन कैंडल का अगर आप ग्रुपिंग को देखते हो, इस तीन कैंडल में आपको क्लियर क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मार्केट आपको क्लियर बताने की कोशिश कर रहा है, ये हायर लेवल पर जाकर एक शूटिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार का एक पैटर्न बना है। अभी मॉर्निंग स्टार का जब भी पैटर्न बनता है तो उसको हम बुलिश पैटर्न माना जाता है, लेकिन जब इतने टॉप पे आकर ये पैटर्न बन रहा है तो इस पैटर्न पर मैं अभी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतने जाकर ये टॉप पे भले भी बने तो उसके बाद मैं क्या करूँगा और कैसे प्लान बनाऊंगा। अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे प्लान थोड़ी बना सकता हूँ कि मार्केट इतना जितना ऊपर आया मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। हाँ, वी नो दैट कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, हम ऊपर के डायरेक्शन में ही प्लान कर रहे हैं, बाइंग साइड का ही प्लान कर रहे हैं, वी नो दैट, हम पूरी पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं। आपको अगर समुंदर का थोड़ा सा आवाज़ वगैरह साइड से आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज कर जाना, क्योंकि मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। मैं जितना पॉसिबिलिटी था मैं माइक को कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई माइक में थोड़ा सा आ जाए कंट्रोल, उतना तो कर ही रहे। अभी एक बार चलते हैं, हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकती है। अगर आप टेलीग्राम पर मेरे साथ एक्टिव थे तो आप सबको पता होगा, मैंने 47,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो और एक मोमेंटम मिलेगा आपको, मैंने अपडेट करके रखा था। सो 47,000 के आसपास से मार्केट जैसे ऐसे सेटल हो गया तो उसके बाद और एक बड़ा मोमेंटम कर दिया था। एंड होप आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कहीं ना कहीं मार्केट में आपने इजी तरीके से बुक कर ही लिया होगा। एंड इस तरीके से आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो ताकि मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है मार्केट कैसे होता है, तो प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। अरे चेयर दे मतलब देना है, अभी अगर फिलहाल देखते हैं तो मार्केट ने 200 के आसपास का टारगेट यहाँ पर देने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट फिर अपसाइड मार्केट मोमेंटम किया, उसी जगह के आसपास मार्केट वापस आया और फिर अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने कर दिया। किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है, बस अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है यहाँ पर ट्रेड करना है, फिर एनालिसिस करके भी एनालिसिस करना, क्योंकि क्या हो चुका है आप जस्ट इमेजिन करके देखोगे ना, तो मार्केट का अगर मैं मंथली चेक पर चार्ट अगर कैंडल आपको दिखा देता हूँ तो मंथली कैंडल अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि अगर आप पिछले टाइम पे अगर आप हिस्ट्री में देखते हो तो यहाँ से भी जाकर देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी जाकर इतनी बड़ी स्ट्रांग कैंडल नहीं बनी है, लेकिन इस जगह पर जाकर देखने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कैंडल बनी है। तो इस कैंडल पे मुझे थोड़ा सा क्या हो रहा है, अब जितना मार्केट बड़ा मोमेंटम कर चुका है मार्केट को मंथली चार्ट में भी एक बार यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मंथली चार्ट पे मार्केट एक बार रुक सकता है, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चीज़ों को समझते हो तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हो समझ रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हम किस तरीके से प्लान बना रहे हैं। अगर हम 50 मिनट के चार्ट पर वापस चल के एक बार मार्केट को देखने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट कैसे मोमेंटम करता है, तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट का जो क्लोजिंग हो चुका है, जो एक्चुअली में मार्केट का क्लोजिंग हो चुका है, जो 47,000 लगभग हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से, 47,262 के आसपास का क्लोजिंग दिख रहा है। मतलब जो आपको यहाँ पर चार्ट पे दिख रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर सेटल होते होते डिफरेंट हो जाता है। 262 मतलब कुछ लगभग ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब लगभग यहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग हो चुका है।
अभी मार्केट के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा यहाँ पर प्लान होने वाला है, कंफ्यूजन से चीजें होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मार्केट पहली बार जब भी निकलता है तो पहले आकर फिर डराता है लोगों को और फिर जाकर मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। मार्केट में कहीं ना कहीं अनवांटेड मोमेंटम, अनवांटेड तरीके से मोमेंटम मार्केट में होगा, कुछ ना कुछ अलग तरीके से मार्केट में हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए पहले से प्लान में रहना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए पहले से वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि मार्केट जाकर कल यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाए फिर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो मार्केट को बिंदास बाय कर सकते जा सकते, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि मार्केट को अगर और भी ज़्यादा अपर साइड में जाना है तो थोड़ी सी अभी क्वांटिटी को कम कर लेना, अगर बाइंग कर रहे हो तो क्वांटिटी बंद कर लेना, हो क्या जाएगा, चलो ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से अगर निकल जाता है तो मार्केट बड़ा मोमेंटम कर भी जाए, लेकिन हम कुछ बनाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कुछ पैसे बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम छोटी सी क्वांटिटी को मार्केट को डाल देंगे, अगर मार्केट ऊपर के लिए सस्टेन करेगा तो और भी बड़ी क्वांटिटी के साथ मार्केट के साथ चल सकते। नॉर्मली बहुत ज़्यादा कंडीशन में क्या हो जाता है, जब भी मार्केट एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से करने के लिए स्टार्ट कर जाता है तो उसके बाद में मार्केट हम बीच में ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगने लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है, हम ट्रेड नहीं करते। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड तो जरूर करना है हमें, बस क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करना है। जो प्रॉफिट आपका 1 लाख का होने वाला था, भले जाकर आपका प्रॉफिट 20-30 हज़ार का भी बन जाए, लेकिन हमने कुछ तो बना लिया है, हम कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे मार्केट से, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो सकता है। अभी हम मार्केट को जो प्लान बनाने वाले हैं, फिर जो प्लान कर रहे हैं वो सारा मार्केट का अभी जो टेस्टिंग पर्पज के लिए प्लान चल रहा है, क्योंकि मार्केट एक लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब जब लाइफ टाइम हाई से मार्केट जब भी निकल जाता है तो हमारे लिए ऊपर के साइड में कोई टारगेटेड डिसाइड नहीं प्लान हो जाता, हमारे कोई भी ऊपर के साइड में टारगेट नहीं होता, हम बस मार्केट के साथ चलने की कोशिश कर सकते। मैं आपको सैंपल प्लान बता देता हूँ, देखो जिस जगह पर मार्केट अभी क्लोज हुआ है, ये जगह पर मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, मतलब इसी जगह के अंदर अंदर ओपन हो जाता है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट और भी बड़ा मोमेंटम करने के लिए रेडी तो हो जाएगा। लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या बोला, पहली बार में आपको 20% क्वांटिटी को ऐड करना है, अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो बाद में फिर 30% क्वांटिटी को ऐड करना है, मतलब मार्केट में हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्केट में हमारे पास 20 और 30, 50% क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगा मार्केट में, और उस फ्लो के साथ मार्केट के साथ चल सकते। क्या पता मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूशन में वेट करके अगर थोड़ा बहुत निकल जा रहा है तो और भी बड़ा मोमेंटम करे और हमें पैसा बना ले। अगर मार्केट अगर ऐसा नहीं करता, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में मार्केट सीधे मोमेंटम कर जाता है तो कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कत हो सकती है, उस तरीके से हो सकता है। मैंने आपको पिछले लाइव एनालिसिस में एक चीज़ आपको क्लियरली समझा के रखी थी कि एक बार बस मार्केट को गैप डाउन ओपन होने दीजिए, एक बार उसको सेटल होने दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, एक बार बताने दीजिए बस। मार्केट अभी भी जाकर एक बार भी गैप डाउन तो हो चुका था, यहाँ पर एक बार गैप डाउन हुआ लेकिन क्लोजिंग मार्केट या फिर सस्टेन मार्केट नीचे के लेवल पर कर नहीं पा रहा है। मार्केट को जब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, जब तक मार्केट लोअर लेवल पर एक बार नहीं ट्रेड कर पाएगा, वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द सेलिंग ओनली, और बाइंग करना है तो मुझे मैं किस तरीके से करा मैंने आपको क्लियरली बता दिया। मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करने की वेट करेंगे, अगर मार्केट को होल्ड करके फिर मार्केट निकल रहा है तो कुछ प्लान बना सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। मार्केट आपको एक दिन में आपको बता देता हूँ, मार्केट एक दिन में कुछ ना कुछ सरप्राइज करेगा हमें, और मार्केट उस दिन पे बहुत बड़ा गैप ओपन होने वाला है, एक ही दिन में सारा सरप्राइज हमें मिलने वाला है, बस उस सरप्राइज का आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आने वाला है जब मार्केट आपको कुछ टाइम नहीं देगा, कुछ कंडीशन नहीं देगा, फिर कुछ बताएगा नहीं, सीधे जाकर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ कमाने लायक रखेगा नहीं मार्केट। लेकिन मेरे लिए वो पहला सिग्नल हो जाएगा अगर पहली बार मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। मैं कुछ साइकोलॉजी बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अगर पहली बार कभी भी जाकर एक बार मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर सडनली गैप डाउन ओपन हो जाए और फिर इसके बाद उसके शार्प सेलिंग अगर मार्केट से नीचे की साइड में कर जाता है तो मेरे लिए एक थिंकिंग थोड़ा सा मेरे लिए ओपन हो जाएगा। उस दिन पे आई एम डैम श्योर कि मैं पैसे नहीं बनाऊंगा, मुझे पक्का पता है मैं उस दिन पैसे नहीं बना, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि मुझे किस तरीके से प्लान बनना है, क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ जो चीज़ें प्लान चल रही है, जो चीज़ें दिख रही है, मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं मार्केट को इंप्लीमेंट करके अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ, ये मेरी सोच हो सकती है मार्केट में। बस देखते हैं क्या मार्केट मेरी बात कभी मानता है या नहीं मानता। मैं आपको बता रहा हूँ बस मेरी जो थिंकिंग है या फिर मेरा जो कन्विक्शन है, मैं बता रहा हूँ कि मार्केट एक दिन सडनली गैप डाउन ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा सडनली जाकर एक इंटरेस्टिंग सा क्रिएट कर जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी मेरे लिए मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि 47,000 के नीचे डायरेक्टली मार्केट जब तक गैप डाउन ओपन नहीं होता तब तक मेरे लिए कोई सेलिंग लेवल एक्टिव नहीं होने वाला, क्योंकि मैं टॉप से सेलिंग करने के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि जिन्होंने भी आज तक मार्केट में टॉप पे सेलिंग करने का कोशिश किया मार्केट ने उनके बहुत ज़्यादा कपड़े फाड़े। जो मार्केट में टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश किया हो जाता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स और मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करता रहता हूँ, आप सबको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मेरा कुछ सिस्टम है, मेरा कुछ सेटअप्स है, वो सेटअप से मार्केट को टॉप नॉर्मली पकड़ में आ जाता है या फिर बॉटम नॉर्मली पकड़ में आ जाता है, बस क्या हो जाता है उसके लिए कॉन्फिडेंस लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनके सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए वही हमारा प्लान है कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर निकल जा रहा है तो हम प्लान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा वेट करके निकल जा रहा है तो हम प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, मैंने क्वांटिटी कैसे ऐड ऑन करना है मैंने आपको क्लियरली बता चुका हूँ। देखते हैं क्या हो सकता है, एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं निफ्टी में एक सेलिंग बार बार बन रहा है मार्केट में। यहाँ से भी अगर आप देखते हो मार्केट में
यहाँ से भी देखते हो तो एक सेलिंग बना है, फिर यहाँ से भी देखते हो सेलिंग बना है, लेकिन मार्केट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है लोअर लेवल पे। मतलब कभी भी जाकर आप मार्केट को देखते हो तो सेलिंग तो बार बार आ रही है लेकिन मार्केट रिवर्सल कर जाता है, सेलिंग तो बार बार आ रही है लेकिन मार्केट रिवर्सल कर जाता है। बस मैं वही दिन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिस दिन पे मार्केट आकर सस्टेन करे, जिस दिन होल्ड करे। अगर मार्केट एक दिन पे आकर होल्ड कर जाता तो फिर मेरे लिए थोड़े से लेवल ओपन हो जाएंगे मार्केट में थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए। देखते हैं लेट्स सी किस तरीके से ट्रेड कर सकते। अब निफ्टी किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी का लेवल बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, मैं बैंक निफ्टी से भी ज्यादा निफ्टी में थोड़ा सा इंटर दिखा सकता हूँ, कल के दिन पे ज्यादा दिखा सकता हूँ, मंडे के दिन पे देखते हैं मार्केट क्या करेगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट जिस जगह पर अभी क्लोज कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा पिछले लेवल का छोड़ देते हैं, यहाँ पर जिस जगह पर मार्केट अपन ट्रेड कर रहा है, निफ्टी अगर यहाँ पर ओपन हो 15 मिनट अगर दो दो कैंडल यहाँ पर रुके, 15 से 20 में मार्केट यहाँ पर रुकने के बाद अगर निकल जाता है, फिर निफ्टी के लिए मैं और एक बार प्लान बना सकता हूँ, फिर से एक बार निफ्टी 21,000 का टारगेट के लेकर 21,000, 21,200, 21,030, 21,040 ये सारे टारगेट के लिए मैं प्लान बना सकता हूँ, ये चीजें मुझे इजीली दिखा सकता है मार्केट। देखते हैं क्या मार्केट का मोमेंटम करेगा, किस तरीके से कर सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, हमें नहीं पता मार्केट क्या कहाँ जाने वाला है। हमने कुछ प्लान बना के रखा है, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया कि मार्केट को एक बार बड़ा गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन होने दीजिए, लाइक दैट सेम मैं आपको बताऊंगा 20,800 के नीचे, 20,800, 850 ये सारे लेवल के नीचे जब तक एक बार निफ्टी गैप डाउन ओपन होता मेरे लिए सरप्राइज मार्केटिंग नहीं मिलने वाला। मैं एक सरप्राइजिंग मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर लोगों को मार्केट ट्रैप करवाए और कंफ्यूजिंग में डाले, मार्केट में वही सरप्राइज का वेट कर रहा हूं कि मार्केट किस दिन पे जाकर एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन करे और फिर उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू करे मार्केट, मैं उसी दिन का प्लान कर रहा हूं, बस प्लान वेट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर मैं जो सोच मेरा जो कन्विक्शन दिख रहा है देख लेना आने वाले टाइम के, अगर मैं सही हो जाता हूं तो मार्केट में पैसा बनाने का मौका ढूंढ लेंगे, लेकिन जिस दिन पे गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाएगा मेरे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद के दिन में कहीं ना कहीं पैसा बनाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि एवरीडे पे पैसा बनाना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन बन जाएगा बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, बहुत अच्छे से पैसे बना सकते हैं, जस्ट फोकस ऑन द मार्केट और जस्ट उसके साथ चलते रहे ताकि आने वाले पैसा बने। तो आप पूरी तरह की समझ गए होंगे, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।